हेलो मामास, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेबामेड प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम और मामाअर्थ फेशियल क्रीम के बारे में। तो जिन पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे का कलर बर्थ के बाद एक था और फिर 10-15 दिनों बाद चेंज हो गया, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, जीन हमारे हाथों में नहीं होता, आपके बच्चे का कलर आपका जीन डिसाइड करता है। तो हम कलर पे नहीं जाते हुए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए एक राइट प्रोडक्ट यूज करें और उन्हें एक अच्छी सी मसाज दे ताकि उनका स्किन कलर जो भी रहे उनका चमक उनका ग्लो कभी कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हम कंसिडर करें जो हमारे बच्चे के फेस के लिए बहुत ही सही रहेगा। मैं अपने 1 ईयर मदरहुड जर्नी के एक्सपीरियंस से आज आपको 3 पॉइंट बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने इस दोनों प्रोडक्ट को कैसे यूज किया है। तो चलिए पहले बताते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है कि कौन सा क्रीम ज्यादा मॉइस्चराइज करता है। तो मैं बता दूं, ये क्रीम अगर आप अपने बच्चे को लगा रहे हैं तो ये आराम से आपको 5-6 आवर्स तक आपके बेबी को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा। कंपेयर टू मामाअर्थ की प्रॉब्लम ये है कि ये क्वांटिटी में भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, पर 1-2 घंटे में इसकी मॉइस्चर उड़ जाती है और स्किन में थोड़ा ड्राइनेस आता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा ड्राइनेस या एक्जिमा की प्रॉब्लम आ जाती है, आप अक्सर देखा करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी में थोड़े थोड़े रेड पैचेस या पिंपल्स कह सकते हैं, वो बार बार स्किन में अपियर करती है। चेंजेस वेदर चेंजेस की वजह से हो सकती है या आपके एनवायरमेंट की वजह से हो सकती है। तब आप देखेंगे अगर आप ये सेबामेड का क्रीम लगाते हैं तो विद इन 5-6 आवर्स वो घटने लगता है, जबकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर आप मामाअर्थ लगाते हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस पॉइंट पे भी मैं सेबामेड को ही ज्यादा प्रेफर करूंगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है आपका पॉकेट पिंच। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर आप देखेंगे सेबामेड की क्वांटिटी ये आती है आपको 50 ml की और इसका प्राइस पड़ता है आपको 850 rupees, जबकि मामाअर्थ आता है आपको 60 ग्राम और इसके प्राइस पड़ता है अराउंड 199। तो अगर आपके पॉकेट थोड़ा सा हेवी पड़ रहा है तो आप आराम से मामाअर्थ की ओर जा सकते हैं। इसमें 60 ml की क्वांटिटी जरूर आती है, पर आपका ये आराम से 20-25 डेज में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो ये फर्स्ट 6 मंथ आराम से आपको 2 महीने चल जाएंगे, फिर जब आपका बच्चा बड़ा होता रहेगा तो आपको क्वांटिटी थोड़ी बढ़ती रहेगी। अब मैं बात करती हूँ अगर कितने क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं सेबामेड। अगर आप इत्तू सा भी ले फॉर 6 मंथ्स बेबी, आराम से ये पूरा फेस को मॉइस्चराइज कर देता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसके नेक और उसके थ्रोट के एरिया को भी मॉइस्चराइज कीजिए। और अगर बात करते हैं मामाअर्थ की, तो मामाअर्थ का क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि मैंने इस दोनों प्रोडक्ट को कैसे यूज किया। मैं आफ्टर बेदिंग अपनी बच्ची को ये क्रीम लगाती हूँ, सेबामेड का ये क्रीम लगाती हूँ, और मामाअर्थ क्रीम को मैं एज अ नाइट क्रीम यूज करती हूँ। तो एज अ रिजल्ट मैंने अपने बच्चे को दोनों प्रोडक्ट के एडवांटेजेस दिए हैं। लास्टली मैं आपके साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मामाअर्थ हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और जबकि सेबामेड मेड इन जर्मनी का प्रोडक्ट है। तो आपको इनके बॉक्सेस में इनके इंग्रेडिएंट्स मिल ही जाएंगे, तो मैं ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कुछ बताना नहीं चाहूंगी। लगभग इनके इंग्रेडिएंट्स ठीक ही है। ये आपको पीएच 5.5 पे ज्यादा जोर डालता है और ये आपको शिया बटर पे ज्यादा जोर डालता है। तो लगभग दोनों के क्वांटिटी सेम ही है, पर मैं अगर आपको चूज करना है तो देखिए आप कोई सा भी एक चूज करते हैं या दोनों को मिक्स करके भी चूज कर सकते हैं। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस तो इनके साथ ठीक लगा। आई होप कि ये वीडियो आपको भी हेल्प करेगा एक राइट प्रोडक्ट चूज करने। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मामाअर्थ और सेबामेड दोनों ही पॉकेट पिंच पे थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो आप अगर फर्स्ट क्राई ऐप या साइट यूज करते हैं तो लगभग 1 वीक या 2 वीक में उनका इस प्रोडक्ट पे सेल चलता है। तो अगर आप वो सेल को अवेल करेंगे तो ये आपको 30-40% तक के लेस प्राइस में मिलेगा।